हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। चुनावी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष निपटाने को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। उधम सिंह नगर के किच्छा में उत्तराखंड और यूपी के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्र बहेड़ी के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान यूपी के बहेड़ी तथा किच्छा तहसील के अधिकारियों ने बैठक कर चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का संकल्प लिया। बैठक में बहेड़ी तहसील के एसडीएम और पुलिस रेट अधिकारी सहित किच्छा के उप जिलाधिकारी तथा तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान यूपी के बरेली तहसील और किच्छा तहसील के अधिकारियों ने मतदाता सूची का मिलान करते हुए एक ही नाम के तमाम लोगों को चिन्हित करते हुए दोनों राज्यों में वोट का उपयोग करने वाले लोगों को वोट निरस्त करने की कार्यवाही को लेकर चर्चा की। अधिकारियों के अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रों के तमाम ग्रामीणों द्वारा उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में अपने वोट का उपयोग करने की शिकायत मिलने के बाद दोनों राज्यों के मतदाता सूची का मिलान किया जा रहा है और दोनों राज्यों की मतदाता सूची में शामिल होने को चिन्हित कर उनके नाम काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने आपराधिक कार्यों में लिप्त अधिकारियों की सूची का भी आदान प्रदान करते हुए अपराधी एवं संदिग्ध लोगों पर कड़ी कार्रवाई और निगरान रखने की बात कही। बैठक के दौरान अधिकारियों ने कहा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया संपन्न कराए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा यह कार्यवाही की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार प्रशासन और भविष्य में अपनी तालमेल बनाते हुए चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न कराया जाएगा। जी हाँ, जैसा कि अभी एसडीएम साहब ने बताया, एक इंटरेस्टेड क्वार्टर मीटिंग हुई थी, उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्णय लिया गया था, हमारे सभी जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को, तो ये लिया गया था कि जो बीएलओस हैं बॉर्डर के जिसमें गाँव के, उनकी आपस में एक बैठक करवा दी है और उनमें जो भी नाम एक दूसरे से मिलते हुए हों उनके हटाने की कार्रवाई की जाए और इस इन बीएलओ से कोई भी शांति व्यवस्था के संबंध में अगर कोई फीडबैक है जो हमारे बॉर्डर से संबंधित हो सकता है, शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है, उस पर हम लोगों ने वार्ता की है और एसडीएम साहब सभी लोग हैं और हम लोग इसी कई बैठकें और भविष्यों की करेंगे इलेक्शन तक, जिससे कि इलेक्शन को सकुशल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से कराया जा सके। देखिए, इलेक्शन कमीशन के निर्देश में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय के बीच आपस में समन्वय बैठक हुई थी, उसी के निर्देश के क्रम में आज सीओ साहब बहेड़ी, उप जिलाधिकारी महोदय बहेड़ी और किच्छा के साथ संयुक्त बैठक हुई है। इसमें मुख्यतः जो वोटर्स वोटर लिस्ट में दोनों जगह रजिस्टर्ड हैं उन ऐसे वोटर को चिन्हीकरण को लेके, फिर वल्नरेबिलिटी या लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से ऐसी विषय को लेके चर्चा हुई है, ताकि जो इलेक्शन की कार्रवाई हो वो सकारात्मक और कानून व्यवस्था की दृष्टि से नियंत्रित हो सके, उसके लिए भी चर्चा हुई है। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।